इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष मध्य पूर्व में सबसे जटिल और लंबे समय से चल रहे संघर्षों में से एक है। ये संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ शुरू हुआ और तब से जारी है। इस संघर्ष की जड़ें इजराइल राज्य की स्थापना के आसपास की घटनाओं में निहित हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटिश जनादेश फिलिस्तीन को दो राज्यों, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। यहूदियों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे खारिज कर दिया। नतीजतन इजराइल राज्य की घोषणा के बाद पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को इजराइल ने सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन इसने दोनों पक्षों के बीच गहरी नफरत और शत्रुता पैदा कर दी। 1967 में इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हराया और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। तब से इजराइल ने इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना में बाधा उत्पन्न हुई है। हमास एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जो 1987 में गाजा पट्टी में स्थापित किया गया था। हमास का लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना और फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। हमास ने इजराइल के खिलाफ कई आतंकवादी हमले किए हैं, जिसमें आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमले शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पिछले कुछ वर्षों में तेज हुआ है। 2014 में दोनों पक्षों के बीच 50 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 2200 फिलिस्तीनी और 73 इजरायली मारे गए। तब से दोनों पक्षों के बीच कई झड़पें हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष मध्य पूर्व में एक प्रमुख शांति बाधा है। ये संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत है और मानवीय संकट पैदा कर रहा है। संघर्ष के दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है। इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुए संघर्ष की शुरुआत मई 2021 में हुई थी, जब हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों पर रॉकेट हमले शुरू किए थे। इन हमलों ने इजराइल में कई लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। इजराइल ने जवाब में हमास पर हवाई हमले किए, जिसमें कई हमास के आतंकवादी मारे गए। संघर्ष तब और बढ़ गया जब इजरायली पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास एक विरोध प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया। इस घटना में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। इसके बाद हमास ने इजराइल पर और अधिक रॉकेट हमले किए। इजराइल ने इन हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी तेज कर दी। इन हमलों में कई फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और घायल हो गए। संघर्ष 11 दिन तक चला और 21 मई 2021 को संघर्ष विराम हुआ। इस संघर्ष में लगभग 250 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए। इजराइल ने हमास पर युद्ध घोषित नहीं किया है, लेकिन उसने हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स नाम दिया है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास पर हमला इसलिए किया क्योंकि हमास ने इजराइल के शहरों पर रॉकेट हमले किए थे। हमास का कहना है कि उसने इजराइल पर हमला इसलिए किया क्योंकि इजरायली पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास एक विरोध प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया था। संघर्ष के दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है। हमास एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जो 1987 में गाजा पट्टी में स्थापित किया गया था। हमास का लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना और फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी इन्फादा के दौरान हुई थी। इन्फादा फिलिस्तीनी लोगों का इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह था। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी, जो एक फिलिस्तीनी इस्लामिक नेता थे। हमास की स्थापना के बाद इसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकवादी हमले किए हैं, जिसमें आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमले शामिल हैं। हमास ने इजराइल को नष्ट करने और फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के उपयोग को उचित ठहराया है। हमास एक लोकप्रिय संगठन है और गाजा पट्टी में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। हमास ने गाजा पट्टी में कई सामाजिक और कल्याण सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे इसे गाजा पट्टी के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष मध्य पूर्व में एक प्रमुख शांति बाधा है।
ये संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत है और मानवीय संकट पैदा कर रहा है। संघर्ष के दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है। WHO supply weapons to Hamas? हमास को हथियार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिनमें ईरान, सीरिया और सूडान शामिल हैं। हमास ने हथियारों की तस्करी के लिए विभिन्न मार्गों का उपयोग किया है, जिसमें भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग शामिल हैं। हमास को मिस्र और लीबिया से भी हथियार प्राप्त हुए हैं। हमास ने इजरायल से भी हथियार प्राप्त किए हैं। 2014 में इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए, जिसमें कई हमास के आतंकवादी मारे गए और हमास का हथियार का भंडार नष्ट हो गया। इस हमले के बाद हमास ने इजरायल से हथियार प्राप्त किए। हमास को हथियारों की आपूर्ति इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारक है। हथियारों की आपूर्ति हमास को इजरायल के खिलाफ आतंकवादी हमले करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह इजरायल हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए हमास के हथियारों के ठिकानों को लक्षित करता है। हमास को हथियारों की आपूर्ति को रोकना इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि ये एक कठिन काम होगा, क्योंकि हमास कई स्रोतों से हथियार प्राप्त करता है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष मध्य पूर्व में एक प्रमुख शांति बाधा है। ये संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत है और मानवीय संकट पैदा कर रहा है। संघर्ष के दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है। Why Hamas hate Israel? हमास इजरायल से नफरत करता है क्योंकि इजरायल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया है। हमास का मानना है कि इजरायल एक अवैध राज्य है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी इन्फादा के दौरान हुई थी। इन्फादा फिलिस्तीनी लोगों का इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह था। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी, जो एक फिलिस्तीनी इस्लामिक नेता थे। हमास की स्थापना के बाद इसने इजरायल के खिलाफ कई आतंकवादी हमले किए हैं, जिसमें आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमले शामिल हैं। हमास का मानना है कि इजरायल को नष्ट करने और फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के लिए हिंसा का उपयोग करना उचित है। इजरायल ने भी हमास पर कई हमले किए हैं, जिसमें हमास के नेताओं की हत्या और हमास के ठिकानों पर हमले शामिल हैं। इजरायल का कहना है कि वह हमास के खिलाफ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। हमास और इजरायल के बीच संघर्ष मध्य पूर्व में एक प्रमुख शांति बाधा है। ये संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत है और मानवीय संकट पैदा कर रहा है। संघर्ष के दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है।